हेलो दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्यवंत दिवित की दुनिया। आज हम आपको अचार की एक बहुत ही आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं। अचार तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन घर का बना अचार, वाह, उसकी तो बात ही अलग है। ये अचार इतना आसान है कि ये 5 मिनट में बन जाता है और इसको 2-3 दिन के बाद आप अपनी फैमिली के साथ चटकारे लेके खा सकते हैं। चलिए जानते हैं ये अचार बनता कैसे है। देखिए, पहले हम 5 गाजर लेंगे, उनको अच्छी तरह धो के छील के फिर उसको धोएंगे ताकि उसमें मिट्टी ना रहे, और उसको हम इस तरह काटेंगे। हम 5 गाजर काट लेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम 1 चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे, उसके बाद हम 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, फिर उसके बाद 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, उसके बाद 3 चम्मच राई डालेंगे। ये राई कैसे साफ होती है, किस तरह साफ करते हैं, ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। ये 5 चम्मच के करीब सरसों का तेल है, इसको पकाने की जरूरत नहीं है सरसों के तेल, क्योंकि हम इसको लंबे टाइम नहीं चलाना। लंबे टाइम तेल चलाना हो तो, अचार चलाना हो तो सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म करना पड़ता है, फिर ठंडा करके फिर डालना पड़ता है। अब इसको हम हाथों से सिर्फ 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि मसाला और तेल सारा कुछ इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये कितनी गाजरें ली थी मम्मी आपने? 5 गाजर। हाँ, 5 गाजर के हिसाब से अचार है ये। तो दोस्तों, आपने जिस हिसाब से अचार बनाना हो तो आप उस हिसाब से गाजर ले सकते हैं। और कितनी देर मिक्स करना होता है इसको? इसको 2-4 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, बस इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर ये पानी छोड़ने लग जाते हैं नमक, तो ये गीली हो जाएंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके धूप में रखेंगे, डब्बे में डाल के और धूप में रखेंगे, 2-3 दिन इसको धूप लगाएंगे, उसके बाद ये अचार खट्टा होना शुरू हो जाएगा। अचार हम खा लेंगे, जो इसके नीचे का पानी बचेगा ना, उसमें मसाला सब कुछ उसमें होता है, उसको हम चावल में डाल के भी खा सकते हैं, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। राइस इसके बचे हुए पानी को चावल में डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, तो पानी भी वेस्ट नहीं जाता इसका। तो देखिए दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से अब ये मिक्स हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है बिल्कुल, सारे मसाले इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो मम्मी, इसको किसमें, कैसे बर्तन में रखना पड़ता है? किसी भी बर्तन में, डब्बे में रख लो। अच्छा, किसी भी डब्बे में रख सकते हैं इसको, प्लास्टिक वालों। और इसको धूप लगानी जरूरी है, कितनी देर धूप में रखना होता है? 3 दिन कम से कम। 3 दिन तब ये गाजर गल जाएंगी। ठीक है, 3 दिन तक इसको धूप में रखना है आपको। 3 दिन के बाद अचार तैयार हो जाता है ना मम्मी? हाँ जी, 3 दिन के बाद अचार तैयार हो जाता है। एक बार मम्मी दोबारा से इसकी क्वांटिटी बता दो कि इस 5 गाजर के हिसाब से कितना कितना हमने क्या लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, 1.5 चम्मच नमक डाला और 2 चम्मच हल्दी डाली थी, 3 चम्मच राई डाली है और 5 चम्मच के करीब सरसों का तेल। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों इतना आसान तरीके से, देखिए 5 मिनट भी नहीं लगे और इतना बढ़िया अचार बन गया है। बस अब इसको 3 दिन आपको धूप में रखना है और उसके बाद
ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एक बार ही ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको ये अचार कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और राई की वीडियो, राई को साफ कैसे करते हैं उसकी वीडियो भी हम अपने चैनल पर डाली है, तो आप उसमें देख सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है कि राई को साफ कैसे करना है। मम्मी आप भी एक बार ही बोल दीजिए हमारे व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर्स को। प्लीज आप मेरे इस अचार की रेसिपी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अब दिल से देख रहे हैं, और उतने ही प्यार से आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, फिर और अचार की भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें 38 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। हम आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोस और वो लेकर आएंगे, तो उसके लिए थैंक यू, और कीप वॉचिंग दिस चैनल।